इसका मजमून देख लो आपको, और खुशगति खुश पति देख लो, ये बच्चे कहवाए थे। और मुझे उम्मीद है ज्यूरी से कि शायद हमारी बिटिया को इनाम जरूर मिले, इतना प्यारा मजमून है बेटा, मैंने उसको पढ़ा दफा, और इतनी बेहतरीन हैंडराइटिंग है आपकी, जोरदार ताली हो जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी कोशिश है, वो कोशिश ये है कि आप बच्चों के हाथों से मोबाइल छीना जाए और किताबें थमाई जाए। तकरीबन 8 महीने से ये कोशिश चल रही है। हमारे पास तो वसाइल है ही, जज्बा और अल्लाह का करम है कि जिनके पास वसाइल है वो हमारे साथ है ना, सही है ना, जिनके पास वसाइल है वो हमारे साथ। और बेटे देखो, एक बात जिंदगी में याद रखना कि हमेशा कोशिश ये करना कि पर्दे के पीछे रहकर काम करना, तो इंसान बसे पर्दा बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे रह के काम करेगा, उसके काम को ज्यादा कामयाबी मिलेगी। जब इंसान पर्दे पे आने की कोशिश करता है और आ जाता है तो फिर नफ्सा नफ्सी का आलम शुरू हो जाता है। मैंने कोशिश की है कि बच्चों को जो एक 10 किताबों के अलावा दूसरी किताबें दी जाए, और इन लाइब्रेरी कल्चर फाउंडेशन की तरफ से एक ऐसे कंपटीशन मजमून नवीसी का मुकाबला
ये मशहूर समाजी खिदमतगार ज़ुल्फ़िकार हुसैन के नाम से लॉकडाउन में बच्चों को मसरूफियत के लिए मुनाकिब किया गया था, जो चार ज़बानों में लिया गया था, उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। इसमें 30 बच्चों ने शिरकत की, बच्चों ने ऑनलाइन भेजा था। उन सबको आज हमने जो है फैज़ आम ट्रस्ट और फेम की तरफ से तकसीम इनाम का जलसा मुनाकिब किया, और हमें बड़ी खुशी हुई कि बच्चों ने इतने अच्छे अंदाज में इतनी अच्छी रेटिंग में मज़मून लिखे। हमें उम्मीद है कि आइए अगर इस तरह मेहनत करते रहे बच्चों पर तो एक बहुत अच्छे लेखक बनेंगे, मुसन्निफ़ बनेंगे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा ताउन किया। मैं मिर्ज़ा अब्दुल कयूम नदवी, सदर रीड एंड रीड फाउंडेशन, औरंगाबाद। जिनकी किताब दुनिया में सबसे ज्यादा सेल हुई है पढ़े लिखे लोगों में, वो है आवाज़े दोस्त। अपन भाई ने भी पढ़ी है, वो मोहतरमा हमारी बहन ने भी पढ़ी होगी गालिबा, और यहाँ मिर्ज़ा अब्दुल कय्यूम नदवी साहब ने खुद भी पढ़ी और शहर में सैकड़ों लोगों को भी पढ़वाई। और बल्कि वो किताब जब नायाब हो गई, उसका प्रिंट अवेलेबल नहीं था कहीं भी, तो इन्होंने उसको शाय भी किया मिर्ज़ा बल्ब बुक हाउस की जानिब से। उस किताब का नाम है आवाज़े दोस्त। आवाज़े दोस्त के राइटर मुख्तार मसूद साहब एक बहुत बड़े आला अहदेदार थे। उन्होंने कई शख्सियात के बारे में वो किताब लिखी है, लेकिन वो किताब की शुरुआत होती है बच्चों की कहानियों की किताब से। उनके घर कोई मेहमान आ रहे थे, उनके वालिद ने कहा कि आप उनसे ऑटोग्राफ लीजिए। उन्होंने ऑटोग्राफ बुक लाई और ऑटोग्राफ लिया। इसकी बड़ी तवील कहानी है जो मुख्तसरन मैं आपको बता रहा हूँ। अब उनके वालिद से उन्होंने पूछा कि मैं दूसरा ऑटोग्राफ किसका लूँ, तो उनके वालिद ने कहा कि आपको ये जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और आपको बड़े लोग जिंदगी में कम किताबों में ज्यादा मिलेंगे। तो उन्होंने किताब पढ़ना शुरू की। तो पहली जो किताब पढ़ी वो एक विलंदेसी बच्चे की कहानी थी। हमको तो कोर्स में भी ये कहानी पढ़ने को मिली थी, पता नहीं आपके सिलेबस में है नहीं है, कि एक समंदर की दरिया के किनारे का पुश्ता जो दीवार होती है पानी को रोकने के लिए, उसमें सुराख पड़ जाता है। वो बच्चा वहां हाथ रखता है, जब वो और बढ़ता है पानी को, अपनी पीठ लगा के वहां बैठ जाता है। ये बहुत मशहूर कहानी है, दुनिया भर में शाई हुई है ये कहानी। तो ये कहानी पहली, ये किताब तो ये पहली कहानी थी जो उन्होंने पढ़ी, और इसके बाद फिर मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में, मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उनका मुताला जारी रहा, और वो इस काबिल हुए कि उनकी किताबें, चाहे वो आवाज़े दोस्त हो या सफ़र नसीब हो या फिर जो है और दीगर किताबें हों,